विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैट वॉक किया करती है, विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में बलिदान होना तो पसंद करती हैं लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पौआ पीना पड़ गया तो तुम जवान हुए ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की। बहने बैठी है, ये रचना के कुछ अंश जो भी है ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। 2-3-4 साल पहले भारतवर्ष में एक फिल्म बनी पद्मावती, तमाम दंगे हुए, तमाम आंदोलन हुए, दुनिया भर की बातें हुई, लोगों ने अपने घर भर लिए, कुछ लोगों ने पहले फिल्म में पैसा कमा लिया, कुछ लोगों ने चुनाव में कमा लिया, है ना। मर तो वो गया जो लठ लेकर चौराहे पर खड़ा था कि नहीं, भारत का इतिहास हमारा गौरव है, उस नौजवान पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, माताएं बहनें बैठी हैं, आवश्यक इसलिए भी है, देवियों, अभी कहा गया पिछले 2-3 दिन पहले नेशनल टेलीविजन पर था न्यूज में कि ढोल गवार सूत्र पसुनारी सकल तारणा के अधिकारी, बाबा तो मूर्ख थे, ये इन्होंने नारी के लिए ये क्या कह दिया। मैं उनसे फिर कहता हूँ लकड़ भग्गो, भारत वर्ष में नारियां नहीं होती, यहाँ देवियां हुआ करती हैं। बाबा ने नारी सूपनखा के लिए प्रयोग किया, माता अनुसुईया और माता सीता के लिए नहीं। रंग भूम जब सीय पग उधारी, मूर्त मोहित भय देख नर नारी, ऐसे मेरा मुंह मत देखो, मैंने पहले कहा था लाइब्रेरी से निकलता हूँ, पंचर की दुकान से नहीं। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आदरणीय विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैट वॉक किया करती है, विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में बलिदान होना तो पसंद करती हैं लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा सिखलाएगा, मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। वैसे तो कई हैं देव देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पौआ पीना पड़ गया तो तुम जवान हुए ही नहीं। यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। रावल रतन सिंह को छुड़ाकर दिलाया गया है चित्तौड़, गोरा और बादल बलिदान हुए। आप सब इस पटकथा से अवगत हैं, आप सबको पता है कि माता पद्मावती भारतवर्ष के इतिहास में कौन है। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गए रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो। जिन लोगों की आंखों पर चश्मा लगा है उनका चश्मा अगली 4 पंक्तियों में उतर जाएगा। भाले बरछी उठवाओ, हाथी घोड़े सजवा लो, हाथी घोड़े सजवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेरा बंदी कर दो। जो आंखें पद्मिन को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। मैं
मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों को ढूंढता हूं जो ये कहते हैं कि भारत गुलदस्ते की तरह है। इस देश में सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया। कुरान और गीता एक है, नहीं हो सकते। मैं किसी मुगालते में नहीं हूं, क्योंकि लिखा है, फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि जब पवित्र महीने बीत जाएं तो घात लगाकर बैठो और काफिरों को जहां देखो वहां मार दो। इसलिए नहीं, और मेरा राम क्या कहता है, तुम्हारा दिन है ईमान, तुम जानो, तुम ही समझो। हमारे राम का तो कोई भी काफिर नहीं है। जो निश्चल है, समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, बस वही मेरा हो सकता है जिसने अभिमान को मारा है। यह है मेरा ईश्वर। निवेदन करना चाहता हूँ, बूढ़े बच्चे पितवाओं पर रहम नहीं कुमखाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक ना हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुफ्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह मिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। मुझसे लोगों ने कहा कि राम इस तेवर के साथ पढ़ोगे, इतना स्पष्टीकरण के साथ पढ़ोगे तो विदेश यात्राएं नहीं मिलेंगी। तुम ही अचार डालो इन तमाम यात्राओं का, क्योंकि जितना बड़ा यह भाव है उतना, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, अच्छा आज महीने के लिए किले में कैद कर दिया, दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए, ऐसा पढ़ाया गया हमें इतिहास में। और हमें इतिहास में एक बात और पढ़ाई गई आदरणीय, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर आगरा में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, रेत में मुंह दिए बैठे हैं, झोपड़ी तक नहीं है, इनसे बिल्डिंगें बनेंगी, क्या नॉनसेंस है। कुछ भी मतलब। निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं मलल मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांग में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुद्दार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख, कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौनित की धार बहा करती है, बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे।
मैं रणभूमि प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना को मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा, समय की अपनी सीमाएं, निवेदन कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट आप लोगों के बीच में सुनिएगा। उन्होंने कहा हाँ, इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई ठुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग, ताली वाली बात छोड़िए, यहाँ नाचने लगते लोग। मुझे पता है तुम कौन से वाले हो, किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नयन भा गए और किसी को भाती है मुस्कान, कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार, सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को बहसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। 4 पंक्तियां अंतिम और अपना स्थान, मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, आपकी बदतमीजी आपको मुबारक। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है, तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है।